नया व्लॉग, नया शुरुआत आप लोगों के साथ। तो आज है संडे, तो आज का हमारा कॉलेज वॉलेज कुछ है नहीं, हम घर में वेले बैठे हैं। तो कल भी हम कॉलेज गए नहीं थे, सैटरडे था, बट कुछ शूट कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास था नहीं कुछ कंटेंट। तो जो बंदा बोला था हमको, जो सीएम व्लॉग आज जिसको दिखाने वाला हूँ, जिसके पास जाने वाला हूँ, जिसके लिए रेडी हुआ हूँ, वो कल बोला था वो कॉलेज जाएगा नहीं, बट वो चला गया। हमको मतलब हम रुक गए थे घर में, वो बोला था रुकेगा बट वो रुका नहीं, डायरेक्टली चला गया था। तो आज हम जाने वाले हैं कहीं अच्छी जगह, आपको भी दिखाएंगे, वो अभी बोलूँगा नहीं, थंबनेल से पता चल जाएगा शायद। तो देख लेना पूरा वीडियो, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में आज, और वो उसके साथ भी मिलवाऊँगा। एंड बारिश चालू हो गया तो शायद प्लान कैंसिल होगा, पता नहीं, बट कैंसिल नहीं करेंगे, रेनकोट पहन के भी चलेंगे तो, पर फिर भी चलेंगे क्योंकि हमको मिलता है एक ही दिन, तो मिलता है एक ही दिन तो जाएंगे हम, कुछ भी करके जाएंगे आज। एंड मिलते हैं आपको डायरेक्टली उसके घर, मतलब पटिया में, पटिया से और कहीं जाने वाले हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली जाके आपसे मिलवाते हैं उन लोगों के साथ, और अम्बिया को लेने जाने वाले हैं, वहाँ पर शूट नहीं करूँगा क्योंकि आपको जानते हो, मतलब रास्ता देख रहे हो बहुत बार, मतलब बहुत बार देख चुके हो, वहाँ पर बोर ज़्यादा करूँगा नहीं। डायरेक्टली मिलते हैं पटिया में उन लोगों के साथ। तो अभी हो रहे हैं 11:50, वहाँ तक जाने तक हो जाएगा हमको एक, डायरेक्टली 1 बजे मिलते हैं हम। और अंबिका आ गए हैं, अंबिका हाय बोल दे, पहली बार तू ब्लॉग में मुंह दिखा रहा है। तो हम लोग आ गए हैं, उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग आएंगे यहाँ पे, हम थोड़ा छाँव में खड़े हैं, धूप यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं रहा तो इसलिए खड़े हुए हैं आके। तो वो लोग भी आ गए हैं, मतलब आएंगे, उनसे भी मिलवाते हैं आपको, देखते हैं कहाँ जाते कहाँ नहीं, और बारिश भी और है नहीं। बहुत खुशी लगा इतने दिनों के बाद हमको एक ही संडे मिलता है हम दोनों को, तो संडे का आज पूरा फ़ायदा उठाएंगे और घूमने जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे जो होता है जो नहीं, जो होता है और कुछ जो होता है आपको दिखाएंगे, और जो भी नहीं होगा वो दिखा नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं वो आने के बाद, हाथ दिखा रहा साला बीच में, तो आते हैं उन, मतलब वो आने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस हम लोग आ गए हैं, और सुमित और चिन्मय भी आ गए हैं, आपको दिखाते हैं मिलवाते हैं। उसका भी इंट्रो, मतलब वो इंट्रो शूट नहीं किया था घर में, तो यहाँ पे अभी इंट्रो शूट कर रहा है, तो आपसे मिलवाते हैं। ये चिन्मय, मतलब सुमित है, और ये चिन्मय है, और ये भी ब्लॉगर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपको, इंट्रो शूट करेगा, कर ले अपना इंट्रो शूट कर ले, आप भी दिखा देते हैं तेरा इंट्रो। तो इंट्रो शूट करके यहाँ से निकलते हैं, अभी यहाँ पे है कुछ नंदन कानन का बॉटनिकल गार्डन है, ये पता नहीं क्या गार्डन के तरह तो मेरे को बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो मिलते हैं आपको डायरेक्टली जाके, हम जहाँ जाने वाले हैं अभी इस लोकेशन बोलूँगा नहीं, बताऊँगा नहीं। तो एक तो गाड़ी आ रहा था इसलिए ब्लॉग बंद कर दिया था, तो उसका भी इंट्रो स्टार्ट चालू हो गया है, तो अपना इंट्रो बोल भाई, तो उसका भी इंट्रो चलेगा। लाइफ इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग इज़ लाइफ, तो हमारा तो अभी यही चल रहा है संडे का प्लान, मतलब लाइफ इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग इज़ लाइफ, वही चल रहा है अपना संडे। तो उसका भी इंट्रो एक बार देख लो आप लोग, उसके नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, उसका जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका अकाउंट का लिंक मतलब बायो में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर एक बार चेकआउट मार लेना। मस्त ब्लॉग बनाता है, अपने से थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर उसका, क्योंकि वो बहुत 5 महीना हो गया उसको करते हुए, बट हमको 2 महीना हुआ है अभी, तो चलेगा कोई नहीं, सब्सक्राइबर से क्या जाता है, आप लोग मतलब देखो प्यार दो, वही हम चाहते हैं, प्यार का मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं होता, आप देखो एंजॉय करो, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। और मिलते हैं डायरेक्टली जाके वहीं पे अपना लोकेशन में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है तो हम यहाँ से निकलते हैं, अभी 2:15 हो रहे हैं, यहाँ पे जाते मतलब जाके जा मतलब जाते हुए हो जाएगा 3:30-4 हो जाएगा, 3:30 तक हो जाएगा मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि मेरे को वो बोल रहा है कि यहाँ से और 20-25 मिनट तक लगेगा, 20-25 मिनट नहीं 20-25 मीटर मतलब किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। तो मिलते हैं यहाँ वहाँ पर जाके डायरेक्टली आपसे। आ गए हैं, आपको भी दिखाएंगे जहाँ पे आए हैं, थोड़ा इस जगह को देख लीजिए, बहुत लोग आए हैं देखने के लिए, जो हम देखने के लिए आए हैं बहुत लोग भी आए हैं देखने के लिए वही चीज़, क्योंकि हर जगह मिलता नहीं है देखने के लिए, बहुत मतलब रेयर हो गया अभी, मतलब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रेयर हो गया, और उड़ीसा में बहुत मतलब कम जगह है जहाँ पर देखने के लिए मिलता है पीकॉक। तो हम भी दिखाएंगे आपको पीकॉक थोड़ा जूम करके, क्योंकि पास में जा नहीं सकते, पास में जाएंगे तो उड़ जाएंगे मतलब चले जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा जूम मार के आपको भी दिखाएंगे, दिखाते हैं आप सकते हैं, और जूम कर लेते हैं आपके लिए, और देख सकते हैं यहाँ पे वो पिकअप हैं, और थोड़ा आगे भी वहाँ पे बैठे हैं सब, देख सकते हैं कितने सारे पिकअप्स हैं। तो मिलते हैं वहीं पे जाके, वहाँ पे तो जा नहीं सकते, वहाँ पे यहाँ से दिखा देते हैं आपको, वो अभी बुला रहे हैं वो मतलब पिकअप लोगों को बुला रहे हैं, उनका कुछ है कोड वर्ड हमको पता नहीं है, वो बुला रहे हैं जाके खाने के लिए, मतलब खाने देने के लिए बुला रहे हैं, देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम भी मार लेते हैं, यहाँ पे तो है 2-3,
तीन चार हैं यहाँ पे और वो बुला रहे हैं सामने जाके। तो वो तो बोल रहे हैं कि पूरा ऊपर से आएंगे, मतलब वो जो माउंटेन है वो उसके ऊपर से आएंगे। तो मतलब आने के टाइम में दिखाता हूँ आपको शॉट्स अच्छे लिए, आप देख सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा जूम मार दिया हूँ तो देख सकते हैं। वो अभी बुला चुके हैं, एक एक करके आ रहे हैं। ऊपर से तो कोई आए नहीं है, बट जो नीचे थे उनके पास जा रहे हैं खाने के लिए। वो मतलब खाना दे रहे हैं तो इसलिए वो आते हैं आस पास में। तो और थोड़ा जूम तो इतना ही होगा, दिखा ना, तो आपको दिखा देते हैं अच्छे से वो आएगा। तो ये नहीं दिख रहा सामने में। गाइस एक ठो आ रहा है अभी चल चल के इस तरफ से आ रहा है, मतलब वो खाने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वो थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि वो भी जानवर है, वो भी सोच रहे हैं कि मतलब उनका कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एक ठो चल चल के आ रहा है और उसके पीछे और एक ठो चल चल के आ रहा है। तो हमको जैसा लग रहा था, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे तो नहीं आ रहे, मतलब जितने पास से हम लोग सोच रहे थे कि आएंगे बट उतने पास से तो नहीं। वो पूरा देखे व्यू, बहुत सारे पब्लिक भी हैं यहाँ पे। और ये अंबिका खड़ा है, सुमित और ये अपना चिन्मय, दो तीनों खड़े हैं यहाँ पे। इतना सबर के बाद वो लोग आ गए हैं, मतलब वो खाना दे रहे हैं, वो लोग भी खा रहे हैं यहाँ पे। तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करेंगे तो अच्छे से आएंगे, पूरा ऊपर से आएंगे। एंड जितना जूम हो सके आपको अच्छे से दिखाते हैं। वो खाना दे रहे हैं, खाना फेंक रहे हैं, कुछ ग्रेन्स फेंक रहे हैं। तो वो लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो एंड पब्लिक का रिएक्शन, मतलब कितने सारे पब्लिक आ गए हैं देखो, आप भी दिखाते हैं। कोविड का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल यहाँ पे है नहीं कुछ, तो यहाँ पे फेंक रहे हैं वो उनको। तो देखिए आप लोग फेंक रहे हैं। वो भी खाना देके आ गए हैं, वो बहुत सारे आएंगे, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे आएंगे यहाँ पे। आपको थोड़ा ऊपर से दिखा देते हैं अच्छे से, तो थमने के लिए खा रहे हैं और भी वहाँ ऊपर से आएंगे, ऊपर से आएंगे वो बोल रहे हैं। खाए का देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा ही खा रहे, देख सकते हैं। और थंबनेल के लिए तो फोटो मस्त आया है। तो आप लोग भी देखिए, अभी थोड़ा हम भी एंजॉय मार लेते हैं यहाँ का सीन। और आप तो देखिए गाइस, दे आर ईटिंग द ग्रेन्स जो फेंक के आए हैं वहाँ पे, तो वो लोग खा रहे हैं वहाँ पे। एंड इतना ही जूम हो सकता है तो इतना ही तक दिखा सकते हैं आपको, थोड़ा एंजॉय मार लो। और अभी गिम्बल फिम्बल कुछ लाए नहीं है तो स्टेबलाइजेशन अच्छा है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा है। आपको दिखाते हैं जितना हो सके, बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब 10-12 तो है। तो इतना ही था, और माउंटेन के ऊपर से भी यहाँ पे सही है ये सब। मतलब बहुत दिनों के बाद हम देख रहे हैं, मतलब 1-2 साल के बाद, क्योंकि हम ज़्यादा घर से निकलते नहीं हैं ये कोरोना की वजह से। और बहुत ज़्यादा पिजन्स भी आ गए हैं वहाँ पे दिखा, मतलब खाने के लिए वो जो ग्रेन डाल दिए हैं। तो पिकॉक एंड पिजन्स, भाई बहन सब मिलकर खा रहे हैं। तो इतना ही था आपको दिखाने के, फिर मिलते हैं। और कहीं जगह जाएंगे तो मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पे और थोड़ा पास में जाके वो शूट हो सकता है। तो आपको भी दिखा, पिजन्स भी आ गए हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं, वो भी उनको भी खाना चाहिए तो वो भी आके बैठे हैं। बट पिकॉक लोग, आप जानते हो, भाई बहन तो मैंने बोल दिया, बट वो लोग थोड़ा खाने के टाइम और पैसे के टाइम, हम लोग जैसे ह्यूमंस पैसे के टाइम दोनों भाई बहन कुछ आप देखे होंगे मेरे ब्लॉग में, तो वो भी खाने के लिए भाई बहन, उनको तो कुछ पैसा है नहीं तो वो खाने के लिए कुछ, मतलब थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता है। तो पिजन से ले गए हैं, अभी सिर्फ पिकॉक्स खा रहे हैं। आपको दिखाते हैं अच्छे से जूम मार के, तो सही है। देखो पिकॉक्स भी आ गए, फिर और एक बार फिर से आ गए हैं। तो सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है व्यू। बट मेरे को थोड़ा पास में मिलता तो शूट करने के लिए और सही रहता। मैं आए हैं, आपको अच्छे से दिखाते हैं। सही है व्यू ये वाला, देखिए आप। बट मेरे को जितना लगता था कि इतना पास में आएंगे अच्छा आएगा, बहुत मस्त आएगा वीडियो, तो उतना अच्छा तो नहीं, बट सही है, फिर भी सही है। जितना हो सका हम आपको दिखाए,
एंजॉय भी किया आप लोग, पीकॉक भी देखे हम इतने दिनों के बाद, अच्छा लगा हमको भी देख के। और चिन्मय अच्छा जगह को लेके आया, मेरे को जितना एक्सपेक्टेशन था नहीं पर मिला, बट थोड़ा पास में चलते हैं आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो देखिए कितने सारे पिजन सब कोई आ गए हैं देखने के लिए, इतने सारा लोग आ गए हैं। हमारा गाड़ी वहाँ पे है, हेलमेट भी लगा हुआ है, हमको डर है कि हेलमेट चोरी ना हो जाए, बट यहाँ पे कोई चोरी करने वाला है नहीं। और यहाँ पे दो तीन और यूट्यूबर्स भी आए हैं, मतलब इसको छोड़ के, मतलब चिन्मय को छोड़ के दो तीन और यूट्यूबर्स भी आए हैं, वो भी अपना व्लॉग बना रहे हैं, हम भी अपना व्लॉग बना रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, चिन्मय भी एंजॉय कर रहे हैं, सब कोई एंजॉय मार रहे हैं आज दिन संडे दिन का। तो और क्या, और कुछ है नहीं, आपको जो दिखाने वाला था दिखा दिया आपको। और हमको लगता नहीं हम और ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि धूप भी हो गया एंड 3:20 हो गया अब तक। सो होगा तो और, मतलब पीकॉक्स आएंगे तो आपको भी दिखाएंगे सब कुछ, नहीं होगा तो हम यहाँ से निकल के और कहीं जाएंगे तो वहाँ पे भी शूट कर लूँगा। तो मिलते हैं, आएंगे तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो हम जहाँ जाएंगे दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कितने सारे पिजन्स पीकॉक सब कुछ है यहाँ पे, एंड यू कैन सी द फोटोग्राफी लेवल ऑफ दिस अंकल। यहाँ पे पूरा शो के फोटोग्राफी अंकल कर रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी उठा रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं शायद। तो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, व्यू भी मस्त आया है। एक तो मतलब वो पिकॉक अपना मतलब पूरा ओपन किया है, पूरा पूछ ओपन किया है, एंड अच्छे से दिखाते हैं आपको भी। ये वाला सीन अच्छा लगा हमको देख के, मतलब यहाँ पे आए इतना अच्छा सीन देखने को मिला, ये सिर्फ अच्छा लगा हमको, नहीं तो और कुछ नहीं, ज़्यादा पास में भी नहीं जा सकते। हम लोग अभी आ गए हैं वहाँ पे, जहाँ पे गए थे वहाँ से आ गए हैं, और ये दोनों अभी घर के निकल, मतलब घर के लिए निकल रहे हैं, हम दोनों भी घर के लिए निकल रहे हैं। अंबिकापुर में थोड़ा घूमेंगे एक तो दोस्त से मिलके, डायरेक्टली घर चले जाएंगे, क्योंकि मेरे को ये व्लॉग मतलब एडिट करके अपलोड भी करना है रात तक या कल तक अपलोड करना है मेरे को। तो बाय बाय, एक बार हमसे कर लो, क्योंकि हमसे कर ले, बाय बाय, कल मिलेंगे, कहीं जाना है। हाँ, कल भी एक तो व्लॉग आएगा, तो कल जन्माष्टमी है तो हमारा कॉलेज का हॉलीडे है, तो कल भी हम कहीं जाने वाले हैं, आपको भी दिखाएंगे। घर में जाके व्लॉग एडिट करता हूँ, और कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो डायरेक्टली घर में मिलते हैं। घर आ चुके हैं और घर आके अभी जस्ट बैठे ही हैं, अभी एडिटिंग करेंगे, मतलब थोड़ा फ्रेश होकर एडिटिंग करूँगा, फिर खाना पीना करके सो जाऊँगा, और कुछ है नहीं। तो आज दिन तो आप देखे जो हुआ, एंड अच्छा लगा वो मेन पार्ट, मेरे को अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद पीकॉक देखा मैंने, एंड और क्या, और कुछ ऐसा नहीं, मतलब इतना इंटरेस्टिंग मेरे लिए कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार पीकॉक देखा हूँ, बट दो तीन साल के बाद देखा आज पीकॉक, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, मैं जितना एक्साइटेड था कि पास में जाके देखूँगा एंड ऑल, उतना तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं मिला मेरे को, बट जो मिला खुशी हुआ कि इतने साल के बाद इतना अच्छा जगह गए, एंड दोस्त लोगों के साथ भी गया था, एंड पहली बार उन लोगों के साथ गया था, मतलब चिन्मय एंड सुमित के साथ। तो मिलेंगे कल एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ, क्योंकि कल मेरा मतलब जन्माष्टमी के लिए मतलब कॉलेज में हॉलीडे है, तो मिलेंगे कल। सो आज के लिए बाय बाय, जो भी नया बंदा ये शक्ल को देख रहा है, ये वीडियो को देख रहा है पहली बार, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई। और क्या, इतना ही, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, और कोरोना के मतलब कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है फॉलो करो, और कुछ नहीं। चलो बाय बाय।